भाई एक बात बोलना चाहता हूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं भाई, आपकी बात का क्या बुरा मानना, बोलिए आप। आजकल आप बहुत बेकार वीडियो बनाते हो। भाई ऐसा क्यों? Redmi Note 8 में अपडेट तो मिली नहीं, बार बार वीडियो बनाकर हमारा टाइम खराब करते हो। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार थोड़ा सा मजाक किया है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। और यार आप सभी के कल इतने सारे कमेंट आए कि यार आपको अपडेट ही देखने को नहीं मिली। तो यार मेरे को पता नहीं क्या हुआ, अपडेट तो पुश की गई थी Xiaomi की तरफ से, क्योंकि यार ये जो अपडेट है रैंडम यूजर को देखने को मिलती है 10% के करीब, उसके बाद फुल टेस्टिंग के बाद फुल रोल आउट किया जाता है। पर दोस्तों अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो मैं आपको आज ऑफिशियल तरीका दिखाने वाला हूं कि आप कैसे इसे अपडेट कर सकते हैं। आपका बूट लोडर अनलॉक हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ऑफिशियल मेथड है जो Xiaomi की तरफ से ही हमें इन बिल्ट हमारे स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ रिमूव हुआ है, तो दोस्तों सारी जानकारी इस अपडेट में दूंगा। तो यार वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि आप इसे अपडेट कैसे कर सकते हैं Redmi Note 8 में। तो अगर हम यहाँ पर अबाउट फोन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार ये है Redmi Note 8, यहाँ पर आपको MIUI 11.0.5.0 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पर सिस्टम अपडेट में जाते हैं तो यार यहाँ पर आपको कोई भी अब अपडेट देखने को नहीं मिलती है। यार अपडेट जो है वो पुल बैक कर दी गई है Xiaomi की तरफ से, क्योंकि यार सिर्फ जो है वो टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज़ की गई थी। तो यहाँ पर यार ये जो अपडेट है अभी रोक दी गई है, पर दोस्तों आपको ये अपडेट थोड़े दिनों बाद देखने को मिलेगी। पर यार अगर आप अभी इसे अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये एक ऑफिशियल तरीका है Xiaomi की तरफ से, हमने खुद नहीं बनाया है। तो यार ये एक ऑफिशियल तरीका है, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी पिक्चर्स, यार आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और आगे से आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि आपने आज अपडेट कर ली आगे से अपडेट नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सिंपली आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक लिंक मिल जाएगा, आपने इसे जो है फुली डाउनलोड कर लेना है। ये 265 MB के करीब जो है वो रोम है, ये OTA अपडेट का लिंक है। तो दोस्तों अपडेट करने के बाद डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर अबाउट फोन में आना है, यहाँ पर सिस्टम अपडेट में जाना है और यहाँ पर आपने आकर 10 बार यहाँ पर टैप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर थ्री डॉट्स में जाना है और यहाँ पर आपने चूज़ पैकेज की ऑप्शन में जाना है, जहाँ पर भी आपने ये रोम को डाउनलोड किया हुआ है तो आपने पिक करना है एंड ओके कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यार ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेगा और आपको ये वार्निंग देगा कि हम अपडेट करने वाले हैं आपके डिवाइस को OTA। तो यार आपने सिंपली यहाँ पर रीबूट कर देना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका फ़ोन जो है वो रिकवरी में चला जाएगा। तो यार थोड़ी ही देर में आपका जो स्मार्टफोन है वो बूट हो जाएगा नई अपडेट पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके स्मार्टफोन का बूट लोडर अनलॉक्ड है या अनलॉक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पिक्चर्स, आपके कॉन्टैक्ट्स सब ठीक ठाक रहेंगे, ये एक ऑफिशियल तरीका है। तो यार आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है वो फुली बूट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर अनलॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं यार MI ब्राउज़र जो है वो यहाँ से जा चुका है। तो यहाँ पर पहले हमारा MI ब्राउज़र पड़ा था, अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार Redmi Note 8 है, वर्जन नंबर आपको यहाँ पर जो है वो अभी आपको यहाँ पर पाए ही देखने को मिलती है। Android 10 तो अभी नहीं आया है, तो होपफुली नेक्स्ट मंथ मिलेगा विद MIUI 12। और यहाँ पर आपको MIUI 11.0.6.0 मिल जाती है एंड अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं रिफ्रेश हो गया है तो व्हाट्स न्यू में, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल है और कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो मेजर चेंजेस हैं इसमें, एक तो सिक्योरिटी पैच लेवल है और दोस्तों दूसरा है यहाँ पर ये जो MI क्रेडिट है, अगर आप इसे होल्ड करके ऐप इन्फो में जाएंगे तो अब आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अनइंस्टॉल करेंगे तो ये चला जाता है, यहाँ पर आप देख लीजिए।
MI Credit चला गया। तो ये जो मी मूवर है तो इसको भी हम ऐप इंफॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। MI ब्राउज़र ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया है Xiaomi की तरफ से, और ये जो है वो गंदी एड्स वाली आंटी की रोमांचक ज़िंदगी और ऑल दैट, ये जो गंदी गंदी टीचर्स के साथ बच्चों ने टीचर्स के क्या क्या बकवास आता है, ये जो वो है वो ऐप है। तो अब आप इसको भी जो है वो ऐप इन्फो में जाकर अनइंस्टॉल अपडेट करेंगे तो ये भी चली जाएगी, ये भी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी ऐप जा चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर और तो मेरे को कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। Android 10 भी नहीं आई है, MIUI 12 भी नहीं आया है, और यार जो नेविगेशन जेस्चर्स हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। पर दोस्तों अगर आप नियर बाय शेयर जो है वो यूज़ करते हैं, मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी, तो ये जो है वो अनेबल अब हो गई होगी अगर आपकी पहले नहीं हुई थी। अगर आपको अब जो है वो कुछ भी जो शेयर ऐप नहीं यूज़ करना पड़ता, ये गूगल की जो खुद की नियर बाय शेयर है, तो आप जो है वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइस के साथ, तो ये जो है वो अनेबल हो गई है। तो यार यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन है इस अपडेट के बारे में, और तो यार ज़्यादा इसमें कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। पर यार ग्लैड है कि जो बैन ऐप्स हैं उन्हें रिमूव कर दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर Redmi Note 8 के बारे में। तो यार मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अभी के लिए यार टेक केयर।